उखराज का गोल चबूतरा कितने हंस का आया है? सोनू अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी खोल सकते हो। हाँ जी, ज्योति जी ने सबसे हजार पहले। हंस का। 1000 हंस का, ठीक है। हाँ, और अब आप इनका बंद कर दो। और हमारे जो पुखराज के ऊपर चौरस चबूतरा कैसे आया है, कितना उसका कितना है, 1/3 आधा कितना आया है? वन थर्ड है दीदी। अभी ज्योति जी का बंद करो, दूसरा क्वेश्चन कोई और देगा, ठीक है। ठीक है, अब आपने बता दिया। अब हमारे उस पे जो 5 पेड़ हैं वो कहाँ से निकले हैं, तीसरा क्वेश्चन, जो पुखराज के चौरस चबूतरे के ऊपर। हाँ जी, कालिंदी जी अनम्यूट कीजिए। पुखराज की तरहटी से निकले हैं। और पानी का स्तून कौन से वाले पेड़ में है? ठीक मध्य वाले में। है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारे ये जो 5 पेड़ हैं ऊपर आके कितनी भूमि तक कैसे चलेंगे, कितनी भूमि तक सीधे चलेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशु जी अनम्यूट कीजिए। 5 घूम तक सीधे चलेंगे ये, और उसके बाद छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। बस हाँ, उसके बाद मैं पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि इसके छज्जे हमारे 250 तक बढ़ने के बाद कितने भौम ऊपर बढ़ेंगे। 250 तक हमने बढ़ा दिए। सरोज दीदी को जरूर करो, सरोज रानी है ना, उनको जरूर ऑन करो। हाँ जी, सरोज आंटी आप कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 250 के बाद कितने, 750, साढ़े सात सौ 750 भूमि तक ऊपर बढ़ेंगे। और चांदनी कितने की आ जाएगी हमारी? 1000 भूमि तक। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की गोल चबूतरे की तरहटी में क्या शोभा आई है? पुष्पा जी ने किया है, किसी को भी खोल सकते हो, ये तुम देख। हाँ जी, पुष्पा जी आप कीजिए। 52 बगीचों की 52 हारें, 53 बगीचों की 53 हारें, और 53 मोहल्लों की 53 हारें। ठीक है, और सबसे छोटी रोंस कौन सी है तरहटी में? कोई और सुंदर साथ बोल सकते हैं? सरोज भसीन। सरोज भसीन जी ने किया है, सरोज भसीन। आप अनम्यूट कर सकते हैं सरोज जी। जल रोज दीदी। बिल्कुल सही। कितने मंदिर की आई थी? 500 मंदिर नहीं, 250 मंदिर। कितनी आई थी? सबसे छोटी है, ये भी इतना याद है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि 400 तो हमारी वही रौस आई है, तो ये हमारी सबसे छोटी जल रौस कितने मंदिर की है, किसको प्रॉपर आता है आंसर? सीमा दीदी को खोलो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। 250 मंदिर की। 250 मंदिर की। 250 मंदिर के, बिल्कुल सही, आप सही हो गए, आप बिल्कुल सही हो गए, कोई बात नहीं, दोनों ने आंसर दे दिया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे 14 मेहराबे हैं, इसका वर्णन कौन करेगा अच्छे से? मेरे साथ वो भी हैं, उनको भी टाइम देना है 2 मिनट। एक वो है, क्या नाम है उनका, कह रही थी पुखराज के लिए मुझे बोलना है। पहले 14 मेहराबों के बारे में कौन बता रहा है? 14 मेहराबे, कालिंदी
ग्राइंदी जी हैं, प्रणामी। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। चार मेहराबे हैं तो दिशा के जो बाकी पेड़ हैं वो आपस में बनाते हैं। चार मेहराबे मध्य पेड़ से बनती हैं, दो मेहराबे पश्चिम की घाटी से बनती हैं, दो मेहराबे उत्तर की घाटी से बनती हैं और दो मेहराबे बंगले के चबूतरे से बनती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पूरी 14 मेहराबे। तो हमारे साथ दिव्या जी हैं, एक दिव्या सुंदर साथ हैं, अपना कैमरा ऑन करके वो कह रही थी कि दो मिनट में पुखराज के लिए, सिर्फ दो मिनट पुखराज के चबूतरे के लिए दो मिनट बोलना चाह रही थी, सिर्फ दो मिनट हम जैसे हम भजन नहीं सुनेंगे तो आज उनकी ये बात सुन लेंगे, दो मिनट। दिव्या जी को अनम्यूट कर दो, बाकी क्वेश्चन का राउंड अपना यही खत्म हो रहा है कि सब सुंदर साथ को इसमें आनंद आएगा, मुझे लिख के भेजना कि मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा सुंदर साथ को, क्योंकि पुखराज को हमने ऐसे ही रिवाइज करना है। हाँ जी अनम्यूट कीजिए दिव्या जी। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, कैमरा ऑन करो दिव्या। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। आज पाठ बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। थोड़ा ऊंचा बोलो दिव्या। पुखराज में गोल चबूतरा आया जो हजार हांस का है और इसकी प्रत्येक हांस 400 कोस लंबी है और इसके कोनों पर गोल गुर्जा है जिनको हम चांदे बोलते हैं और इनके दाएं बाएं घूम भर सीढ़ियां आई हैं और बाकी जगह पर चबूतरे के किनार पर खटेरा आया है। इस गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में एक घूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा आया है। ये जो गोल चबूतरा है इसके कोनों पर जो चांदे लगे हैं उसके नीचे घूम भर सीढ़ियां हैं दाएं बाएं, उन सीढ़ियों से हम ऊपर नीचे जा भी सकते हैं। यहाँ पर सब दूरी है तो जैसी हमारी इच्छा हम वैसे कर सकते हैं और चौरस चबूतरे जो है चारों दिशाओं में एक चारों दिशाओं में भोंबर सीढ़ियां हैं और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा शोभायमान है और इनके बीच में पांच पेड़ आए हैं और जो मध्य का पेड़ है वो ऊपर जाकर मिलता है और जो पांच पेड़ है वो महल की तरह है, वो लगते पेड़ की तरह है लेकिन उन्हें महल की एक शोभा की तरह बताया गया और ये चारों दिशाओं में पेड़ है और इन पांचों पेड़ों के ऊपर 2000 बूम यानी 8,00,000 कोस ऊपर पुखराज पहाड़ विद्यमान। ठीक है प्रणाम जी। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन सोनू जवाब देगी मुझे, सोनू से मैंने लेना जवाब। नो सोनू घबराना नहीं, चौरस चबूतरे पर और क्या शोभा आई है पांच पेड़ के अलावा चौरस चबूतरे के किनार पर? मोहल आए हैं। यस, मुझे उम्मीद थी आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो देखो राज्य की कितनी मेहर, हम अंदर से खुश हों कि मुझे राज्य कितना प्यार कर रहे हैं कि मुझे पुखराज में घुमा रहे हैं अपने साथ, मुझे मानिक पहाड़ में घुमा रहे हैं, तो सब साथ को ऐसा लगे कि जो मुझे आ रहा है मेरे सुंदर साथ को भी सेम वैसा ही आए, तो कितना मजा आएगा कि सब सुंदर साथ एक साथ जोर लगाएंगे परम धाम की तरफ बढ़ने के लिए और ये सब समझना नहीं है, उसको ध्यान में अपने आप को महसूस करना है, हमने हर जगह खुद को वहां बिठाना है और राज्य के साथ घूमना है अपने अनुभव के द्वारा। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की।